वेलकम टू Shortflix। आज हम देखेंगे सन 2000 में रिलीज हुई एक्शन हॉरर साइफाई फिल्म हॉलो मैन। स्पॉयलर्स अहेड। मूवी की शुरुआत में एक चूहे को एक लैब में छोड़ा जाता है। चूहा खाने की तलाश में एक चेंबर में घुसता है। उसके अंदर जाते ही कोई अदृश्य जानवर उसे हवा में उठाता है और खाने लगता है। अगले सीन में मूवी के अहम किरदार सेबेस्टियन को कंप्यूटर पर कोई केमिकल फॉर्मूला बनाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वो उसे बनाने में फेल हो रहा होता है। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है। सामने वाली बिल्डिंग में एक खूबसूरत लड़की अपने कपड़े बदल रही होती है। सेबेस्टियन उसे गौर से देख रहा होता है, पर तभी वो लड़की खिड़कियां बंद करती है। सेबेस्टियन फिर से काम करने बैठ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक सुझाव आता है। वो फॉर्मूला में कुछ बदलाव करता है और वो प्रयोग सफल हो जाता है। सेबेस्टियन एक जीनियस पर उतना ही घमंडी वैज्ञानिक है। प्रयोग सफल होते ही वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा, जो उसके साथ ही काम करती है, उसे कॉल करता है। वो उसे बताता है कि जिस प्रयोग पर वो पिछले 11 महीनों से काम कर रहे हैं, वो सफल हो गया है। सेबेस्टियन को लिंडा के बिस्तर पर कोई आदमी दिखाई देता है। वो उसे उसके बारे में पूछता है, पर लिंडा इस बारे में बात करने से इनकार करती है और कैमरे की दिशा बदल देती है। सेबेस्टियन उसे उनके एक और कलीग साइंटिस्ट मैट को भी साथ लाने के लिए कहता है। पता चलता है कि मैट ही वो आदमी है जो लिंडा के साथ सो रहा था। सुबह होते ही सेबेस्टियन प्रयोगशाला पहुंचता है। वहां कई सारे जानवर पिंजरों में कैद होते हैं। उनमें से एक पिंजरे में एक गोरिल्ला भी कैद होता है, जिस पर वैज्ञानिकों ने प्रयोग कर उसे अदृश्य किया है। मूवी की शुरुआत में इसी ने चूहे को खाया था। दरअसल वैज्ञानिकों ने अदृश्य होने का फॉर्मूला तो बना लिया है, लेकिन अदृश्य चीजों को फिर से सदृश्य करने में उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली थी, और इसी फॉर्मूला पर वे लोग पिछले 11 महीनों से काम कर रहे हैं। पूरी लैब में अलग किस्म के कैमरे लगे होते हैं जो अदृश्य गोरिल्ला को भी कैच कर सकते हैं। मैट गोरिल्ला को एक्सपेरिमेंट के लिए लाने जाता है। उसने थर्मल गॉगल पहना होता है, जिससे वो गोरिल्ला को देख पा रहा होता है। वो गोरिल्ला को इंजेक्शन देने के लिए पिंजरे को खोलता है, लेकिन गोरिल्ला उसके हाथ पर काटकर वहां से भाग जाता है। मैट ये सब सेबेस्टियन को बताता है। सेबेस्टियन कहता है कि काफी वक्त से अदृश्य रहने की वजह से उसके दिमाग पर इसका असर हो रहा है। सेबेस्टियन ट्रैंक्विलाइजर गन लेता है और मैट से शर्त लगाता है कि कौन उसे सबसे पहले बेहोश करेगा। दोनों ही बारी बारी उस पर निशाना लगाते हैं। मैट का निशाना चूक जाता है, पर सेबेस्टियन का निशाना सीधे गोरिल्ला पर जा लगता है और वो उसे बेहोश करने में कामयाब होता है। तभी पशुओं की डॉक्टर सारा वहां आती है। वो काफी गुस्से में होती है। वो सेबेस्टियन से कहती है कि बिना अपने प्रयोग की जांच किए उसे गोरिल्ला पर प्रयोग करना गलत है, लेकिन सेबेस्टियन उसकी बात से सहमत नहीं है। वो उसे कहता है कि इससे काफी वक्त बचेगा और उन्हें किसी भी हालत में इस प्रयोग पर काम करना है। ये सुनकर सारा गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद गोरिल्ला पर प्रयोग शुरू होता है। सेबेस्टियन नया सीरम उसकी नसों में इंजेक्ट करता है। सीरम धीरे धीरे गोरिल्ला के पूरे शरीर में फैलता है, लेकिन इससे उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है और बीपी लो होने लगती है। हालांकि उसे शॉक देने के कुछ वक्त बाद उसकी स्थिति नॉर्मल होने लगती है। देखते ही देखते गोरिल्ला अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद वो गोरिल्ला को वापस अपने पिंजरे में भेज देते हैं। रात को सभी प्रयोग की सफलता का जश्न मनाते हैं। सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी लिंडा देखती है कि सेबेस्टियन अपनी कुर्सी पर नहीं है। वो सेबेस्टियन के पास जाती है। सेबेस्टियन उसे कहता है कि वो अभी भी उसे चाहता है और फिर से एक होने की इच्छा जताता है, लेकिन लिंडा उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है। अगले दिन सभी वैज्ञानिकों की आर्मी अफसरों की कमेटी के साथ एक मीटिंग होती है, जहां सेबेस्टियन को अपने प्रयोग के बारे में बताना होता है, लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताता कि उसने इस प्रयोग में सफलता हासिल कर ली है। लिंडा और मैट उसे ऐसा करने की वजह पूछते हैं। सेबेस्टियन कहता है कि अगर वो कमेटी को इस प्रयोग की सफलता के बारे में बताता है, तो वे इस प्रोजेक्ट का श्रेय हथिया लेंगे। वो चाहता है कि इस प्रोजेक्ट का श्रेय उसे और उसकी टीम को मिले। वो कमेटी को बताए बिना ही इंसानों पर प्रयोग करना चाहता है। वो कहता है कि अगर वो लोग इसमें सफल होते हैं तो उन्हें नोबेल प्राइज भी मिल सकता है। दोनों मान जाते हैं, लेकिन मैट को फिर भी उनके इस फैसले पर संदेह है। अगले सीन में सारे वैज्ञानिक एक साथ बैठे होते हैं। सेबेस्टियन सबसे झूठ कहता है कि उन्हें इंसानों पर इसका प्रयोग करने की इजाजत मिल गई है। जब उन्हें सेबेस्टियन की बात पर यकीन नहीं होता, तो वो कहता है कि उसने कमिटी को ये कहकर मना लिया है कि वो पहला प्रयोग खुद पर करने वाला है। सारा को ये प्लान रिस्की लगता है, लेकिन सेबेस्टियन किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। उसे तो किसी भी कीमत पर इस प्रयोग को सफल करना है। अगले दिन सेबेस्टियन पर प्रयोग शुरू होता है। सीरम नसों में जाने के कुछ पलों तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ वक्त बाद सेबेस्टियन दर्द से कराहने लगता है। धीरे धीरे उसकी स्किन गायब होने लगती है और एक एक करके उसका पूरा शरीर अदृश्य होता है। इस दौरान उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते हैं, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद सेबेस्टियन को होश आता है। उठते ही वो लाइट्स बंद करने के लिए कहता है। उसकी पलकें भी अदृश्य है, इस वजह से रोशनी सीधे उसकी आंखों में जा रही है। इसके बाद वो अपने सारे साथियों से मिलता है। प्रयोग सफल होने की वजह से सब काफी खुश होते हैं। रात को सेबेस्टियन का ख्याल रखने के लिए सारा लैब में रुकती है और बाकी सब अपने घर जाते हैं। सारा मॉनिटर पर सेबेस्टियन को सोता हुआ देखती है और खुद भी सो जाती है, लेकिन तभी सेबेस्टियन उसके केबिन में आता है और उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। एकदम से सारा की आंख खुल जाती है।
उसे अपनी शर्ट की बटन खुली हुई दिखती है। उसे सेबेस्टियन पर शक होता है। वो मॉनिटर पर चेक करती है तो देखती है कि सेबेस्टियन उसके रूम में नहीं है। लेकिन अगले ही पल जब वो फिर से मॉनिटर पर देखती है तो सेबेस्टियन अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रही थी। अगले ही दिन वो इसके बारे में लिंडा और मैट को बताती है। वो ये भी कहती है कि हो सकता है वो सपना देख रही थी। मैट उसे कहता है कि वो इस बारे में सेबेस्टियन से बात करेगा, लेकिन सारा ऐसा कुछ भी करने के लिए उसे मना करती है। अगले दिन सेबेस्टियन को वापस उसके असली रूप में लाने की तैयारी शुरू हो जाती है। मैट सीरम को उसकी नसों में इंजेक्ट करता है, लेकिन सीरम काम नहीं करता और सेबेस्टियन दर्द से तड़पने लगता है। उसके बंधक भी टूट जाते हैं और वो मैट और कार्टर को एक तरफ धकेलता है। उसकी स्किन कुछ पलों के लिए दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही पलों में वो फिर से अदृश्य हो जाता है। प्रयोग फेल हो चुका था। कुछ वक्त बाद सेबेस्टियन को होश आता है। लिंडा उसके पास बैठी होती है। लिंडा उसे कहती है कि वो मरते मरते बचा है, क्योंकि अब वो कुछ वक्त तक अदृश्य ही रहने वाला था। लिंडा और मैट उसके लिए एक मास्क बनाते हैं। मैट और लिंडा वो सीरम परफेक्ट करने की जीतोड़ कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। सेबेस्टियन पर हो रहे प्रयोगों की वजह से उसकी तबीयत पर बुरा असर होने लगता है। 10 दिन से लैब में रहने की वजह से सेबेस्टियन उब जाता है। उसी रात वो लैब से बाहर जाने के लिए निकल पड़ता है। कार्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका बाहर जाना नियमों के खिलाफ है, लेकिन सेबेस्टियन उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। यहां से वो सीधे अपने फ्लैट पर जाता है। तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है, जहां एक लड़की अपने कपड़े बदल रही होती है। सेबेस्टियन से रहा नहीं जाता और वो अदृश्य रूप में उसके फ्लैट में पहुंचता है। जैसे ही बेल बजती है, लड़की दरवाजा खोलती है, लेकिन उसे बाहर कोई दिखाई नहीं देता। उसे इस बात का अंदेशा तक नहीं होता कि सेबेस्टियन उसके फ्लैट के अंदर आ चुका है। इसके बाद सेबेस्टियन उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी ओर कार्टर लिंडा और मैट को बता चुका होता है कि सेबेस्टियन लैब से बाहर जा चुका है। लिंडा उसे ढूंढने उसके फ्लैट पर जाती है। वहां उसे सेबेस्टियन का मास्क और कपड़े दिखाई देते हैं। इसके बाद वो लैब में जाती है और सबको इसके बारे में बताती है। तभी सेबेस्टियन वहां आता है। वो कहता है कि वो अपने फ्लैट पर कुछ चीजें लाने गया था। लिंडा उसे धमकी देती है कि अगर आज के बाद वो अदृश्य होकर बाहर गया तो वो कमेटी को सब कुछ बता देगी। उस रात जब लिंडा सो रही होती है, तब एकाएक उसके कपड़े उतरने शुरू होते हैं। तभी फोन बजता है और वो इस भयावह सपने से बाहर आती है। वो फोन मैट ने किया होता है। मैट उसे कहता है कि शायद उसने अदृश्य इंसान को फिर से सदृश्य बनाने के प्रयोग में सफलता हासिल कर ली है, लेकिन वो प्रयोग 95% ही स्टेबल होता है। उसके बाद वो फिर से अनस्टेबल हो जाता है। इस बात से सेबेस्टियन गुस्सा हो जाता है और मैट को काफी बुरा भला कहता है। उस रात सेबेस्टियन उसके कमरे में लगे कैमरे के साथ छेड़छाड़ करता है। वो उसकी सेटिंग कुछ इस तरह से बिगाड़ता है कि अगर वो कमरे में ना भी हो तब भी वो मॉनिटर पर दिखाई देता है। इसके बाद वो लिंडा के घर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि लिंडा का नया बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि मैट ही है। ये जानते ही वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो वापस प्रयोगशाला में आता है और गुस्से में वहां मौजूद एक कुत्ते की जान लेता है। अगली सुबह सारा को उस कुत्ते की मौत के बारे में पता चलता है। वो सेबेस्टियन से इसके बारे में पूछती है, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि वो पूरी रात गहरी नींद में सो रहा था, इस वजह से उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। सारा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। वो सबके साथ कल रात की फुटेज चेक करती है, पर फुटेज में वो अपने कमरे से कहीं गया ही नहीं ये दिख रहा होता है। इस वजह से वो लोग इस बात पर भरोसा कर लेते हैं कि शायद वो कुत्ता अपने आप ही मरा हो। रात में जब लिंडा अपने घर में होती है, तब सेबेस्टियन फिर से उसके घर पहुंचता है। वो उसे वहां पकड़ तो नहीं पाती, लेकिन उसी वक्त वो प्रयोगशाला पहुंचती है। वहां मौजूद फ्रैंक मॉनिटर पर देखकर उसे बताता है कि सेबेस्टियन अभी भी वहीं मौजूद है। लेकिन लिंडा को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो सेबेस्टियन के कमरे में जाकर चेक करती है। वहां सेबेस्टियन नहीं होता है। वो समझ जाती है कि सेबेस्टियन ने कैमरे के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें गुमराह किया है। वो तुरंत प्रयोगशाला में काम कर रहे वैज्ञानिकों की एक मीटिंग बुलाती है। वो सबको बताती है कि सेबेस्टियन पर चल रहे इस प्रोजेक्ट के बारे में कमेटी को कोई जानकारी नहीं है। सेबेस्टियन के बढ़ते हुए पागलपन की वजह से उसने ये फैसला लिया है कि वो और मैट जाकर कमेटी को इस प्रयोग के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही वो सबको इस बात का विश्वास दिलाती है कि उनकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि वो और मैट इस गलती का जिम्मा अपने सर लेने वाले हैं। तभी ऐसा महसूस होता है कि सेबेस्टियन उनकी बातें सुन रहा होता है। लिंडा और मैट कमेटी हेड के घर जाते हैं। वो उसे सब सच सच बताते हैं। कमेटी हेड उन्हें अपना इस्तीफा तैयार रखने के लिए कहता है और कमेटी के बाकी सदस्यों को कॉल करने जाता है, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा होता है। इसके बाद जब वो स्विमिंग पूल के पास खड़ा होता है, तब अचानक सेबेस्टियन वहां प्रकट होता है। उसने लिंडा, मैट और कमेटी हेड की सारी बातें सुन ली थी। वो कमेटी हेड को पानी में डुबोकर मार डालता है। अगले दिन जब लिंडा प्रयोगशाला पहुंचती है, तो उसे रास्ते में ही सेबेस्टियन मिलता है। मैट लिंडा को बताता है कि सेबेस्टियन रात में 3 बजे ही लैब में आ गया था और तब से वो पूरी लैब में घूमते हुए नजर आ रहा है। लिंडा कमेटी हेड के बारे में पूछती है। मैट कहता है कि उसका भी कोई कॉल नहीं आया है, इसलिए लिंडा उसके घर कॉल करती है। कमेटी हेड की बीवी उसे बताती है कि कल रात उसकी स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हुई। लिंडा उसी कमेटी के जनरल को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता।
सारे फोन डेड हो चुके होते हैं। वो दोनों सिक्योरिटी को खबर देने लिफ्ट में जाते हैं, लेकिन लिफ्ट उनका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। वो दोनों वापस जाते हैं और बाकी वैज्ञानिकों को इसकी खबर देते हैं। उनमें से एक वैज्ञानिक क्या गड़बड़ हुई है ये चेक करता है। उसे पता चलता है कि सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, बल्कि वो सेबेस्टियन है जिसने उनके एक्सेस वहां से रिमूव किए हैं। वे सभी अपने अपने गॉगल्स पहनते हैं और सेबेस्टियन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर जैनिस अपना गॉगल लेने के चक्कर में बाकी सबसे पीछे छूट जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर सेबेस्टियन उसे मौत के घाट उतारता है। लिंडा स्पीकर की मदद से सेबेस्टियन को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन सेबेस्टियन कहां मानने वाला था। तभी जैनिस उनके साथ नहीं है, इस बात पर लिंडा का ध्यान जाता है। वे सब उसे ढूंढने वापस केबिन में जाते हैं जहां उन्हें उसकी लाश मिलती है। मॉनिटर पर लिंडा सेबेस्टियन की लोकेशन पता करती है। इसके बाद मैट और कार्टर बंदूक लेकर सेबेस्टियन को मारने निकल पड़ते हैं। रास्ते में सेबेस्टियन उन पर वार करता है जिसमें कार्टर गंभीर रूप से जख्मी होता है। लिंडा मैट को वहां से भागने के लिए कहती है। मैट भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। मैट सेबेस्टियन पर गोली चलाकर बचने की कोशिश करता है लेकिन पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। सेबेस्टियन उसे काफी पीटता है। तभी अचानक से लिंडा वहां आती है और मैट को दरवाजे के दूसरी ओर खींचती है। दूसरी ओर सारा और फ्रैंक कार्टर के पास जाते हैं। सारा को उसकी हालत देखी नहीं जाती। वो फ्रैंक को कार्टर के पास छोड़कर खुद खून लाने के लिए लैब में जाती है। लैब के अंदर सेबेस्टियन भी आता है। सारा उसकी स्थिति का पता चल सके इसलिए फर्श पर काफी खून फेंकती है, लेकिन सेबेस्टियन उसके पास ही खड़ा होता है। सारा उस पर भी खून फेंकती है जिससे वो दिखने लगता है। हालांकि वो उसे मार नहीं पाती और खुद ही उसका शिकार बनती है। काफी खून बह जाने की वजह से कार्टर बच नहीं पाता। लिंडा मैट और फ्रैंक सारा को ढूंढते हुए लैब में जाते हैं। वहां उन्हें वो मरी हुई हालत में मिलती है। अगले ही पल सेबेस्टियन फ्रैंक की पीठ में एक सरिया घोपता है। इसके बाद सेबेस्टियन मैट को भी घायल करके उसे और लिंडा को रेफ्रिजरेशन चैम्बर में बंद करके वहां से चला जाता है। खुशकिस्मती से सेबेस्टियन के वार से मैट के किसी भी ऑर्गन को चोट नहीं पहुंची थी। इसके बाद लिंडा वहां रखे सामान से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाती है और उस दरवाजे को खोलती है। वो मैट के घाव को पट्टी लगाकर बंद करती है और खुद सेबेस्टियन के पीछे जाती है। दूसरी ओर सेबेस्टियन पूरी प्रयोगशाला को तबाह करने के लिए बम फिट करता है और 5 मिनट का टाइमर सेट करता है। वो नीचे जाने के लिए लिफ्ट के अंदर जाता ही है कि तभी लिंडा एक आग उगलता हुआ सिलेंडर लेकर आती है और सेबेस्टियन को आग लगाती है, लेकिन सेबेस्टियन के मरने से पहले ही सिलेंडर की गैस खत्म हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर वो फिर से गायब हो जाता है। लिंडा उसे देख सके इसलिए स्मोक डिटेक्टर ऑन करती है। सेबेस्टियन उस पर पीछे से वार करता है। वो अपने पैर से लिंडा का गला दबा ही रहा होता है कि तभी मैट उस पर वार करता है। सेबेस्टियन को अचेत समझकर वे दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन सेबेस्टियन फिर से खड़ा होता है और मैट को मारने की कोशिश करता है। हालांकि मैट उसे एन मौके पर धक्का देता है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिक बोर्ड से जाकर टकराता है और शॉक खाकर वहीं पर गिरता है। अगले सीन में दोनों को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन ने बम फिट कर रखा है। वे दोनों लिफ्ट के पीछे की सीढ़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी बम फट जाता है। धमाके की वजह से लिफ्ट तेजी से उनकी तरफ आती है। वे उससे बचने के लिए एक तरफ हट जाते हैं, लेकिन लिफ्ट अब ऊपर से नीचे की तरफ आने लगती है। वे बचने के लिए फिर से नीचे की तरफ जाने लगते हैं। खुशकिस्मती से लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। वे फिर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ते ही सेबेस्टियन नीचे से लिंडा का पैर खींचता है। दोनों ही लिफ्ट के ऊपर जा गिरते हैं। सेबेस्टियन लिंडा को एक आखिरी बार किस करने के लिए कहता है। लिंडा किस करने के बहाने लिफ्ट को थामे रखने वाली केबल को लिफ्ट से अलग कर देती है और खुद केबल से लटक कर ऊपर आती है। सेबेस्टियन आग के घेरे में गिरता हुआ नजर आता है। मूवी के अंत में मैट और लिंडा को प्रयोगशाला से बाहर आते हुए दिखाया जाता है और यहीं पर ये मूवी समाप्त होती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।